बाघ की माँ गर्भवती बकरी। एक बार जंगल में बाघिन अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी कि तभी वहाँ शिकारी आते हैं। तब बाघिन अपने बच्चे को छुपाकर खुद उन शिकारियों का सामना करती है। शिकारी खुद को बचाने के लिए बाघिन के ऊपर तीर चलाकर उसे मार देते हैं। बाघिन वहाँ घायल होकर मर जाती है। तब बाघिन का बच्चा माँ के पास आकर कहता है, माँ उठो ना, क्या हुआ तुम्हें? शिकारी तो चले गए, उठो माँ, चलो फिर से खेलते हैं हम। बाघ अपनी माँ को उठाने की पूरी कोशिश करता है, पर बाघिन तो मरी थी, वो कैसे उठ सकती थी। तभी वहाँ एक गर्भवती बकरी आती है। बाघ के बच्चों को यूं रोता देख उसे उस पर बहुत दया आती है और वो कहती है, बेटे ऐसे मत रो, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठेगी, मत रो बेटा। लेकिन क्या हुआ मेरी माँ को, वो क्यों नहीं उठ रही? अब मैं कहाँ जाऊँगा, किसके साथ रहूँगा? मेरा इस दुनिया में तो कोई नहीं है। बेटा ये दुनिया ही ऐसी है, इंसान खुद को बचाने के लिए हमेशा जानवरों को मारते रहते हैं। मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहना और आज से मैं तुम्हें वीरू कह के बुलाऊंगी। गर्भवती बकरी वीरू को लेकर अपने घर जाती है कि तभी वहाँ बाकी के जानवर आते हैं। उसमें से हाथी कहता है, अरे बकरी बहन, ये तुम बाघ के बच्चे को अपने साथ क्यों लेकर आई? आगे चलकर तुम्हें भी बच्चे होने वाले हैं, तब तुम कैसे बचाओगी अपने बच्चों को इस बाघ से? हाथी भाई, इस बच्चे की माँ मर गई है, इस नन्हे बच्चे को देखकर मुझे रहा नहीं गया, आज से मैं ही इसकी माँ हूँ। इसका नाम वीरू है, वो आगे चलकर मेरे बच्चों का रक्षक बनेगा, ना कि भक्षक। उस दिन के बाद से वीरू गर्भवती बकरी के साथ रहने लगता है। बकरी भी वीरू को अपने बच्चे के जैसे ही पालती है, उसे अपना दूध पिलाती है। अब वीरू भी उसे अपनी माँ समझने लगा, उसे माँ कहते हुए उसके आगे पीछे रहने लगा। ऐसे में बकरी को एक नन्ना सा बच्चा होता है। तब वीरू कहता है, माँ मेरा भाई देखो कितना सुंदर है, अब तो मैं इसके साथ खूब खेलूंगा, बड़ा मजा आएगा हमें। हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों भाई हो। और हाँ वीरू सुनो, तुम्हें अपने भाई की देखभाल और रक्षा भी करनी होगी। और हाँ तुम छोटू, तुम हमेशा अपने भाई की बात सुनना। माँ मैं अपने भाई पर कोई भी खतरा नहीं आने दूंगा। माँ मैं भी अपने भाई की हर बात मानूंगा, चलो भैया हम खेलने चलते हैं। वो दोनों खेलने जाते हैं कि तभी वहाँ लोमड़ी आती है और कहती है, अरे बहन इस वीरू पर इतना भरोसा मत करो, ऐसे अपने बच्चे को इसके साथ अकेला मत छोड़ा करो, वीरू मांस खाने वाला जानवर है, देखना एक दिन ये तुम्हारे बच्चे को मार कर खा जाएगा। लोमड़ी मुझे मेरे परवरिश पर पूरा भरोसा है, मेरा वीरू कभी ऐसा नहीं करेगा। मैं तो तुम्हें आगाह कर रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। लोमड़ी वहां से चली जाती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब वीरू काफी बड़ा हो चुका था। एक बार बकरी छोटू और वीरू से कहती है, सुनो बच्चों, मैं काम के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना, एक दूसरे का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना, और हाँ वीरू छोटू का ख्याल रखना। वीरू माँ को बेफिक्र होकर जाने के लिए कहता है। दोनों भी खेलने के लिए तालाब के पास आते हैं। वीरू को भूख लग रही थी, इसलिए वो तालाब में मछलियाँ खाने जाता है और उसी वक्त छोटू वहाँ से कई और चला जाता है। वीरू मछलियाँ खाकर आकर देखता है तो उसे छोटू कहीं नहीं दिखता, वो छोटू को ढूंढने लगता है। छोटू कहाँ हो तुम, छोटू छोटू। इस तरह से आवाजें देकर वीरू छोटू को हर जगह देखने लगता है, पर उसे छोटू कहीं नहीं मिलता। तभी वहाँ बकरी आती है। वीरू के मुंह पर उसे खून दिखाई देता है और छोटू आसपास कहीं नजर नहीं आता। तब बकरी डर जाती है, उसे लोमड़ी की बातें याद आती है और वो वीरू से कहती है, वीरू मेरा छोटू कहाँ है,
और ये तुम्हारे मुंह में खून कैसे लगा? कहा है मेरा छोटू, बोलो। वीरू डरते डरते उसे सारी बात बताता है। तब बकरी को वीरू पर ही शक होने लगता है और वो गुस्से से कहती है, इसका मतलब कि तुमने ही मेरे बच्चे को मार कर खा लिया। सच कह रही थी वो लोमड़ी, पर मैं ही नादान थी जो तुम पर दया दिखाकर तुम्हें अपने सगे बेटे के जैसे पाला और आज तुमने उसका ये सिला दिया। नहीं नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे माँ मत कहो, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। वीरू वहां से रोते हुए जाते रहता है कि तभी वहाँ छोटू आता है। छोटू को जिंदा देखकर बकरी खुश हो जाती है। छोटू बकरी को सब बताता है कि वो कहाँ गया था। तब बकरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाते हुए वीरू को रोक लेती है, उससे माफी मांगती है और उसे प्यार करती है। फिर से एक बार वो तीनों एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। गर्भवती गाय, दुष्ट शेर और बाढ़। गर्भवती गाय हिरन के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल रही थी कि तभी वहाँ बंदर आता है और कहता है, अरे गाय बहन, तुम खुद गर्भवती हो, ऐसे में ये क्या कर रही हो? ऐसी हालत में तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे बच्चे के लिए हानि पहुँचाए। बंदर भाई, ये भी तो किसी का बच्चा ही है ना? ठीक है, रुको, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों मिलकर हिरन के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं। तब वो हिरन का बच्चा धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। इस तरह से गर्भवती गाय हमेशा किसी न किसी की मदद करती रहती थी, जिस वजह से जंगल में उसके कई सारे दोस्त बन गए थे। एक बार हाथी गर्भवती गाय के लिए खाना लाता है। तब वो गाय कहती है, अरे आप सब मेरे लिए कितना कुछ करते हो, ऐसे में तो मैं आलसी बनती जाऊंगी। बहन, ऐसे वक्त में हमें तुम्हारी मदद करने दो, बस तुम आराम करो और खूब खाना खाओ। जंगल में हर कोई गर्भवती गाय की किसी ना किसी तरह से मदद कर रहे थे। एक बार गर्भवती गाय जंगल में घूम रही थी कि तभी हिरन कहती है, अरे गाय बहन, ऐसे मत घूमो, वो दुष्ट शेर यही कहीं होगा और तुम्हें तो पता ही है ना कि वो किसी को नहीं छोड़ता। हाँ बहन, मुझे सब पता है, पर मुझे विश्वास है कि वो मुझे कुछ नहीं करेगा। दरअसल उसी जंगल में एक दुष्ट शेर भी रहता है जो बहुत ही लालची था। वो हमेशा किसी ना किसी का शिकार करता ही रहता है। उसे किसी पर कोई दया नहीं आती थी। सब जानवर उस शेर से बहुत डरते थे। अब तो वैसे ही हुआ जैसे हिरन ने कहा था। गर्भवती गाय नदी के किनारे टहल रही थी कि तभी उसे शेर देख लेता है। शेर मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, आज तो इस गाय को खाकर मुझे बहुत मजा आएगा, बड़े दिनों बाद पेट भर के खाना खाऊंगा। शेर ऐसा सोचकर गर्भवती गाय के पास जाता है। अब वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी गर्भवती गाय कहती है, शेर मुझे जाने दो, मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरे अंदर एक नन्ना सा बच्चा पल रहा है, मुझे छोड़ दो। मुझे मत बताए साहब, मुझे इससे क्या कि तू गर्भवती है या नहीं, मुझे तो बस मेरे भूख से मतलब है जो तुम्हें खाकर मिट जाएगी। कितने दुष्ट और निर्दयी हो तुम शेर, मुझे लगा था कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो जैसे सब सोच रहे हैं, पर नहीं, मेरा ख्याल झूठा निकला, तुम्हें छोटे बच्चे पर भी तरस नहीं आ रहा। अरे तू ऐसी बातें मत कर, मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। बेचारी गाय शेर की बातों से बहुत डर जाती है। वो मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, ये दुष्ट शेर मुझे और मेरे बच्चे को मार कर ही रहेगा, भगवान मेरी नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए मेरी मदद करो। गाय की प्रार्थना से आकाश
आकाश में बिजलियां चमकने लगती है, तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। उस वक्त नदी में बाढ़ आती है जिसमें शेर बहने लगता है। शेर एक टूटते हुए पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है जो कि किसी भी वक्त टूटने वाली रहती है। शेर भी बहुत डर जाता है और वो कहता है, अरे गाय मेरी मदद करो, मुझे बचाओ गाय, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, मुझे बचाओ। हाँ हाँ तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर गाय एक बड़ी सी लकड़ी का इंतजाम करती है और शेर से कहती है, शेर तुम घबराओ मत, तुम ये लकड़ी को पकड़ लो, मैं अपने मुंह से इसे खींचती हूँ। ऐसा कहकर गाय लकड़ी अपने मुंह में रखकर लकड़ी को शेर की तरफ डालती है। शेर उस लकड़ी को पकड़ लेता है। तब तक गर्भवती गाय के दोस्त भी वहां आ जाते हैं और वो सब मिलकर गर्भवती गाय की मदद करते हैं और शेर को बाढ़ में बहने से बचा लेते हैं। तब शेर कहता है, आप सबका मैं कैसे धन्यवाद करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से शेर जंगल के किसी भी जानवरों का शिकार नहीं करता है और सबके साथ मिलकर गर्भवती गाय की देखभाल करता है।